हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा। आज हम आपके सामने मेटर लेकर आए हैं कंपाउंड एंगल के बारे में। ना मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको डिस्कशन कर रहा था और ट्रिग्नोमेट्री में आज कंपाउंड एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिएगा, बहुत ही कमाल का चीज़ है ये। और मैं बता दूं कि चूंकि हम लोग 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री कर चुके हैं ना, तो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री यार बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा नहीं है। इसमें काफ़ी हम लोग लंबा रुकने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा आपके पास लेक्चर होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक क्लास में एक फॉर्मूले चलेंगे हम लोग, मतलब एक टाइप के फॉर्मूले, और नंबर दूसरा उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो चलिए फिर हम आज के क्लास में हम लोग कंपाउंड एंगल के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या होते हैं भाई साहब कंपाउंड एंगल, तो मैं समझाता हूँ आपके पास। देखिएगा ना, ये भाई साहब पास कंपाउंड एंगल के बारे में ना, कंपाउंड एंगल बहुत कुछ खास नहीं है यार। कंपाउंड एंगल सिंपल सी बात है, अगर एंगल की बात करेंगे, जैसे हम लोग कॉस ए की बात कर रहे थे या साइन ए की बात कर रहे थे भाई साहब, अगर हमें साइन ए की बात किया तो साइन ए प्लस बी, आपको पता है दो या दो से ज़्यादा अगर एंगल मिलेंगे तो हम लोग उसको कंपाउंड एंगल बोलते हैं, है ना। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो फॉर्मूला बनने वाला है नया ना, वो ये है कि साइन है भाई साहब ए प्लस बी, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर मैं किसी एक फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे आपको, है ना, आप पता चल जाए आपको। या फिर चलो पहले प्रूफ ही कर लेते हैं यार, क्या फालतू का इधर उधर चल रहा है ना। देखिएगा साइन ए प्लस बी, तो भाई साहब साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, या तो साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कितना होता है पास कॉस ए इंटू साइन बी, तो दिस इज द फॉर्मूला बेटा आपके पास ना, साइन ए प्लस बी, है ना। ध्यान देखिएगा, अगर इसमें सिंपल साइन ए बोलता, अगर साइन ए, तो दिस इज नॉट अ कंपाउंड एंगल, बट इन साइन ए प्लस बी एम फिर साइन ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए प्लस बी माइनस सी, तो दिस इज द कंपाउंड एंगल, है ना। सबके सब कंपाउंड एंगल की हम लोग बात करने वाले हैं। इसी तरीके से है, दो या दो से ज़्यादा एंगल आपके पास मिलना चाहिए, है ना। सर इसका फॉर्मूला को कोई प्रूफ है क्या यार, मैं बड़ा बिल्कुल प्रूफ है ना, इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक आपके पास जो मतलब सर्कुलर हम लोग डायग्राम को लेकर, तो हम सर्कुलर डायग्राम में काफ़ी थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है समझना। मैं इसको आज ना एक थोड़ा सा सिंपल टाइप का कोई एक प्रूफ देखता हूँ इसका, है ना। तो प्रूफ क्या है इसका समझिएगा, हम मैं बताने वाला हूँ इसका प्रूफ के बारे में। सर हम प्रूफ की बात करेंगे तो पहले आपने इसका डायग्राम बना लीजिए यार एक, है ना। देखिए डायग्राम कैसे बनाने वाले हैं, मैंने बोल दिया भाई साहब कि ये हमारे पास क्या है। देखिए एक तरीके से ये मान लो समथिंग कुछ भी है, ठीक है। मैंने बोला कि ये जो है ना भाई साहब, ये मान लो कि एंगल ए बना रहा है, कितना एंगल ए है, और ये हमने बोल दिया कितना ये आपके पास ये क्या है एंगल बी है। तो पूरा एंगल भाई साहब कितना हो गया, दिस पूरा एंगल इज कॉल्ड गया पास ए प्लस बी, कितना हो गया पूरा एंगल आपके पास ए प्लस बी हो गया, है ना। हम बात कर रहे हैं ये एंगल ए हो गया और ये एंगल बी हो गया, समझिए बात को। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से देखिए आप, इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, नाम दे दिया कुछ भी, है ना, नाम देना चालू करें। चलिए इसका नाम दीजिए ओ, ठीक है भाई साहब, कितना नाम दे दें ए, है ना। इसका नाम क्या दे दें बी, है ना। अब देखिएगा मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऐसे, इस पर भी परपेंडिकुलर, अच्छा ये इस पर परपेंडिकुलर है, समझ गए बात को आप। अब क्या करें हम लोग, ठीक है भाई साहब, अच्छे से देखिएगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से बेटा एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस इज द परपेंडिकुलर, इस तरीके से। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे करते हैं। नाम सबका दे दें, ए बी कितना टाइप पास देखिए सी डी, और ये भाई साहब कौन सा हो गया ई। बस अब इसके आगे जो है ना वो आप देखते जाएगा, बहुत ही मज़ेदार है, गजब का चीज़ है, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन लेना नहीं है आपको। मैं बात कर रहा हूँ ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँगा कि साइन ए प्लस बी, सर साइन ए प्लस बी क्या होगा, तो वी नो दैट कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, मुझे प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना होगा, है ना। तो साइन ए प्लस बी, साइन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंगल पूरा है, इसके लिए आपके पास परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है ना, इसका मतलब लिख देंगे सर ए बी अब बटा कितना हो गया भाई साहब हमारे पास ओ ए, तो दिस इज क्या पास मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया पास हाइपोटेनियस, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आगे देखते हैं सर, क्या हम लोग ए बी को लिख सकते हैं, क्या ए प्लस के पास ई बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो सर हम लोग इसी को लिख सकते हैं, ए बी को कितना लिख सकते हैं जी ए ई, है ना बेटा ए ई अब प्लस कितना लिख सकते हैं हम लोग ई बी अब बटा कितना लिख सकते हैं हम लोग ओ ए। क्या हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं क्या, तो बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, ए ई बटा कितना हो जाएगा ओ ए अब प्लस कितना लिख सकते हैं हम लोग ई बी अब बटा कितना लिख सकते हैं हम लोग ओ ए, वेरी गुड। आगे सर दो इतना चित्त हो गया, सर आगे क्या करना चाहोगे, मैं बोला बिल्कुल आसानी से देखिएगा ना, बहुत ही मज़ेदार है, गजब बची रही है, ठीक है। मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, फिर आराम से देखते रहेंगे हम लोग इसको। सर बोलोगे सर आगे क्या करोगे आप, तो मैं बोला अच्छा देखिएगा, अगर ये एंगल ए है भाई साहब, अगर हम इस दो ट्रायंगल की बात करें, समझिएगा कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ये एंगल ए है, अगर ये एंगल ए है
और आपको इतना पता है ना कि ये ए है और ये कितना बेटा 90 है, तो ये कितना 90 माइनस ए, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस ए। अगर ये 90 माइनस ए भाई साहब, और ये परपेंडिकुलर थी, ये भी कितना हो गया पास एंगल ए हो गया, ये भी कितना हो गया एंगल ए हो गया, समझिएगा ये कितना हो गया पास, और ये एंगल ए, तो दिस इज ऑल्सो एंगल ए होगा ना, क्यों नहीं होगा, देखो ना भाई साहब ये ए हो गया, ये 90 हो गया, तो कितना 90 माइनस ए हो गया, ये भी 90 माइनस ए हो गया, और ये राइट एंगल चूंकि ट्राइंगल चूंकि ये परपेंडिकुलर, तो इधर भी परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास 90 माइनस ए, तो ये भी 90 माइनस ए, और ये 90 है, तो जैसे तो क्या पास ए, वो क्या हो जाएगा पास ए हो जाएगा, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलिए वेरी गुड, बोलो सर आगे देख लो आप। मैं क्या बता दूंगा कि इसमें देखिएगा, अब चूंकि ए और ओ ए को देखें, ए और ओ ए को देखें, ए ई और ओ ए, इसके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या आपको, ए ये है और ये बेटा ओ ए है, इसके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो बोलोगे सर नहीं दिख रहा है, तो कोई ऐसा काम कर दो जिससे रिलेशन दिख जाए, मतलब देखना अच्छे से देखना, मैं तुरंत रिलेशन दिखाता हूँ आपको। अगर मैं ए डी से, अगर मैं ए डी से क्या कर दूँ, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो काम निकल जाएगा। देखिए ए डी इस ट्रायंगल के लिए भी आ जा रहा है और ए डी इस ट्रायंगल के लिए भी आ जा रहा है, और चूंकि हमारे पास क्या इस पर परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्या लिख दिया कि सर ए ई जो है इसको हम क्या कर देते हैं, ए ई ये जो है इसको हम लोग क्या करते हैं ए डी से डिवाइड कर देते हैं और ए डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा ओ ए, अच्छा ठीक है, प्लस ये जो ई वी है ना बेटा ई वी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या सी डी लिख सकते हैं हम लोग, इसको सी डी बेटा ओ ए लिख दे, कोई दिक्कत नहीं आपको। एक स्टेप और लिखेंगे, एक स्टेप और लिखेंगे, अब बोलोगे सर ये क्यों लिखा गया यार, इतना समझ में आ रहा है ना कि ये क्यों लिखा गया, ए ई और ओ ए, तो बेटा ए ई और ओ ए का कोई रिलेशन नहीं था, तो मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, यानी ऐसे साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा जिसका कोई ना कोई रिलेशन मिल जाए, तो हमने ए डी से किया, क्यों, देखिए ए डी और ओ ए का आपके पास रिलेशन है, क्यों, इस एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर और ए क्या हो गया हाइपोटेनियस, और ए डी से डिवाइड करने से क्या हो गया ए ई और ए डी इसके बीच में क्या हो गया पास एक रिलेशन हो गया, एंगल ए के लिए बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, समझ गया क्या बात को आप, बेस्ट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक लिख लेना आप लोग फटाफट, पहले यहाँ तक लिखिए, तो यहाँ तक लिखिएगा अपना यार, बढ़िया से देखिएगा इसको ना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से देखना है आपको। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया कि सर यहाँ पर देखो आप इसको जरा सा कि ए ई, ए ई बटा कितना है पास ए डी, कितना है ये पास ए डी इंटू ए डी अब बटा कितना हमारे पास है ओ ए, कितना बेटा पास ओ ए, प्लस ध्यान रखिएगा सी डी है यार, सी डी और ओ ए, सी डी और ओ ए इसका कोई रिलेशन दिख रहा है क्या आपका, सी डी और ओ ए का समथिंग कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही ओ डी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, देखना सी डी को हमने ओ डी से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया और ओ डी से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे कितना था ओ ए था, ओ ए लिख दिया, फिर से ये और ये कट जाएगा, सी डी बेटा ओ ए बचेगा। बोले सर सी डी से क्यों किया, मतलब सी डी से इसलिए किया ये सी डी था और ये ओ डी था और ये ओ ए था, जैसे हमने ओ डी से मल्टीप्लाई किया, देखो सी डी बेटा ओ ए डी, ओ डी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का काम करेगा और इस ट्रायंगल में ये बेस और अपन हाइपोटेनस का काम करेगा, समझ गया ना, इसीलिए हमने ओ डी से क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, है ना, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या हो गया, सर बढ़िया से देखिएगा ना, हम लोग बात करें ए ई अपॉन ए डी, ठीक है, ए ई अपॉन ए डी, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ए का मतलब कितना हो गया सर कॉस ए, कॉस ए कितना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, यानी कितना हो गया कॉस ए, याद है ना, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है भाई साहब ए डी, ए डी अपॉन ओ ए, ए डी अपॉन क्या पास ओ ए, अगर इस एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर ये क्या हाइपोटेनियस, यानी कितना हो गया पास साइन, कितना हो गया पास बी हो गया, साइन कितना हो गया बी इस एंगल के लिए ना, इस एंगल के लिए। नेक्स्ट प्लस सी डी अपॉन ओ ए, सी डी कौन सा ये, सी डी अपॉन ओ ओ डी, ओ डी ए है, इस एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, यानी कितना हो जाएगा साइन ए हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ओ डी अपॉन ओ ए, ओ डी देखिए ओ डी अपॉन कितना ओ ए, इस एंगल के लिए ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, यानी कितना कॉस बी हो गया, है ना। अच्छे से देखेंगे अगर आप इस चीज़ को तो आपको समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ गया, देखिएगा सर साइन जो है था हमारे पास ए प्लस क्या था बी था, साइन ए प्लस बी, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे थोड़ा पलट कर लिख दो, यानी साइन ए इंटू कितना पास कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू कितना पास साइन बी, तो दिस इज क्या आपके पास फाइनल फार्मूला, ठीक है ना, दिस इज क्या आपके पास फाइनल फार्मूला। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, कोई दिक्कत है क्या किसी को, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं यार जो समझ में नहीं आता हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो समझ में आपके पास नहीं आ रहा होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आप इसका प्रूफ देख चुके हैं, अब मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, अब सारे फॉर्मूले का चूंकि प्रूफ नहीं देखेंगे, एक का प्रूफ देख लिया कंपाउंड एंगल में, तो कंपाउंड एंगल के सारे फॉर्मूले को हम लोग लाइन से लिखेंगे और इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है ना मेन हम लोग फोकस वहाँ पर करेंगे,
क्योंकि प्रूफ अब आपको कहीं नहीं आता। पहले बहुत पहले आपके पास प्रूफ अगर आते थे, अब प्रूफ कहीं नहीं आने आता। अब आपके पास क्या होता है, इसका अप्लीकेशन आता है आपके सामने, है ना। चलिए ठीक है, तो आज मैं यही आज मैं क्या करता हूँ, पहले इसको पहले हटाता हूँ, रब करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा सर, ये तो आपका प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। सर आगे बताओ, मैं बोला कि आप जिस तरीके से फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का देखे थे, उसी तरीके से कंपाउंड एंगल में दूसरा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। साइन ए का साइन ए प्लस बी था तो क्या था, याद है ना, साइन ए इंटू कॉस बी था, और ए प्लस बी था तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस था कितना, कॉस ए इंटू साइन बी, याद है ना। ये प्लस के लिए था, किसके लिए, प्लस के लिए। तो माइनस के लिए क्या होगा, सर यहाँ पर माइनस दे दो तो यहाँ पर भी क्या दे दो, माइनस, बात खत्म हो गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। थर्ड फॉर्मूला भाई साहब, थर्ड फॉर्मूला कितना है, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, याद रखिएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला में थोड़ा अलग है यार, क्या अलग भाई साहब, देखिए कॉस ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी है, अब कॉस रहेगा ना तो दोनों शुरू वाला कॉस रहेगा और दोनों लास्ट वाला क्या रहेगा, साइन रहेगा, क्या रहेगा, साइन रहेगा। अगर ए प्लस बी है तो यहाँ माइनस दे देंगे, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस दे देंगे। फोर्थ नंबर में कॉस क्या है, ए माइनस बी, ये कितना हो गया पास, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब ये क्या है पास, माइनस है, आप प्लस दे देंगे, आपके पास साइन ए इंटू कितना है, साइन बी, है ना। फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई साहब, अगर फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे ना तो काम नहीं चलेगा। अब हर फॉर्मूले का प्रूफ करके आप फॉर्मूला याद थोड़ी कर पाएंगे, प्रूफ तो एक वे हो गया कि चलो यार ये आता कहाँ से है तो हम इसे पता कर लिए, लेकिन प्रूफ कोई एक आपके पास याद करने का तरीका नहीं होगा। याद करने का तरीका है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे भाई साहब ये कॉस है तो कॉस ए प्लस बी रहेगा तो स्टार्टिंग का दोनों कॉस लास्ट का दोनों साइन रहेगा, प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस, कॉस है तो स्टार्टिंग का दोनों कॉस लास्ट का दोनों साइन, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस, उल्टा साइन होता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में क्या है, देखिए तो टेन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है भाई साहब, टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, देखिए तो टेन ए प्लस कितना होता है, टेन बी, और डिवाइडेड कितना होता है पास, वन माइनस टेन ए इंटू कितना पास, टेन बी। नेक्स्ट देखिए सिक्स नंबर ना, सिक्स नंबर में कितना है पास, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, समझिएगा ना, टेन ए माइनस टेन बी और डिवाइड कितना हमारे पास, वन प्लस टेन ए इंटू कितना है, टेन बी, है ना। अभी देखिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी, यानी ए टेन ए प्लस बी रहेगा तो ऊपर टेन ए प्लस बी रहेगा, नीचे में अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस रहेगा, और ऊपर दोनों प्लस में नीचे दोनों टेन ए, टेन ए, टेन ए और टेन टेन बी क्या मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर टेन ए माइनस टेन बी रहेगा, और नीचे में अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और नीचे वाला जो रहेगा टेन ए इंटू टेन बी में रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई में रहेगा भाई साहब ना। चलिए ठीक है, इस फॉर्मूला को नोट कीजिए आप पहले, है ना। अगर ये फॉर्मूला नोट कर चुके होंगे तो नेक्स्ट फॉर्मूला पर एंट्री करते हैं। देखिए आप सर बात कर लेते हैं कॉट का, किसका बात कर लेते हैं हम लोग, कॉट का, ठीक है। आज हम कंपाउंड एंगल की बात कर रहे हैं तो हम इधर उधर नहीं भागेंगे यार, ठीक है ना, क्या इधर उधर जाना फालतू का। चलिए देखिएगा सर, नंबर सिक्स नंबर के बाद हमारे पास सेवन नंबर है ना, ठीक है। कॉट है भाई साहब ए प्लस बी है, कॉट ए प्लस बी है, अब अगर कॉट ए प्लस बी रहेगा तो यहाँ पर उल्टा होता है थोड़ा सा, कॉट ए इंटू कॉट बी पहले लिख देते हैं और ऊपर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या लिख देंगे आप, कॉट ए प्लस कितना हो जाएगा, कॉट बी, ये हो गया। अच्छा जो सेवन नंबर के बाद एट नंबर है ना उसमें देख लिया, अगर आपके पास कॉट है ए माइनस बी है तो यहाँ पर यार हल्का सा चेंज होता है, ऊपर तो यहाँ माइनस है तो ऊपर तो प्लस हो जाएगा, कॉट ए इंटू कितना, कॉट बी अब प्लस वन, नीचे नीचे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कॉट ए प्लस बी है तो पहले कॉट ए ना लिख के कॉट बी होता है, फिर माइनस कितना होता है, कॉट ए होता है। इसमें स्लाइटली चेंज होता है थोड़ा सा फॉर्मूला में, याद रखिएगा कॉट ए माइनस बी में क्या होता है, स्लाइटली चेंज होता है फॉर्मूला में, है ना। अच्छा देखिए अब कई बार आपके पास चूंकि कंपाउंड एंगल की बात कर रहे हैं तो यही इतने फॉर्मूले हैं फाइनली, यही इतने हमारे पास क्या होता है फॉर्मूले हैं कंपाउंड एंगल में, एट फॉर्मूले हैं फाइनली हमारे पास। लेकिन अब कुछ फॉर्मूले है नहीं, लेकिन अगर मैं उसे डेवलप करना चाहता हूँ किसका, जैसे देखिएगा जैसे मैंने क्या हो गया कि साइन है, ठीक है ना, नाइन नंबर में साइन कितना है, ए प्लस बी प्लस कितना है, सी है, ये है। तो ध्यान रखिएगा कैसे लिखेंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। देखिए तो साइन ए प्लस बी को एक जगह रख दीजिए और सी को एक जगह रख दीजिए,
और देखिएगा इस पूरे को ए मानेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे, बी। तो अब याद करिए कैसे लिख देंगे इसको, यही लिखेंगे साइन ए इंटू कितना हो गया कॉस बी और प्लस कॉस ए, कॉस ए इंटू कितना हो जाएगा साइन बी। बस फटाफट इसको ब्रेक करो, अब साइन ए प्लस बी का कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी दिख गया ना, प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू कितना है साइन बी है, और ये क्या भाई साहब मल्टीप्लाई है कितना कॉस सी, अब प्लस इसको ब्रेक करो कितना ब्रेक करेंगे कॉस ए इंटू कितना पास कॉस बी ना माइनस कितना हो जाएगा देखिए तो साइन ए इंटू कितना हो जाएगा साइन बी, और इसको और ये जो है आपके पास इसके मल्टीप्लाई में क्या आता है साइन सी, और फिर इसको तो मल्टीप्लाई कर दो और क्या, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा देखिए तो इसको इससे करो कितना आएगा देखिए तो ये आएगा पास साइन ए इंटू कितना है साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कितना है कॉस सी प्लस कितना कॉस ए इंटू कितना है कॉस सी इंटू कितना है साइन बी, इसको आएगा देखिए कितना पास कॉस ए इंटू कॉस बी है ना, ये कितना आ गया पास इंटू साइन कितना आ गया सी माइनस, माइनस है ना तो माइनस कितना आ गया साइन इंटू साइन बी इंटू साइन सी कितना आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी इंटू कितना है साइन सी, यही क्या हो गया मेरा फाइनल फॉर्मूला हो गया। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी इसका फॉर्मूला आपको कभी याद रखने की ज़रूरत नहीं होता है, इसे आप क्या कर सकते हैं डेवलप करते हैं ठीक है। तो ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला जो है स्टार्टिंग का ही, ये जो हमारे पास जो 8 फॉर्मूले हैं बेटा तो दिस इज द सफिशिएंट फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड एंगल ठीक है इन ट्रिग्नोमेट्री, समझ गए ना बात को। अब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना भाई साहब वो इसी पर बनते हैं यार, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब इसी पर बनते हैं। बोलोगे सर कैसा क्वेश्चन बनता है यार, मतलब देखिए आपके पास साइन 30 डिग्री का मान आपको पहले पता होता है, साइन 45 डिग्री का मान पता होता है, साइन आपके पास 60 डिग्री का मान पता होता है, साइन 90 डिग्री का मान पता होता है, साइन 0 डिग्री का मान पता होता है, पता है आपके पास। लेकिन क्या साइन 15 डिग्री का मान पता है क्या आपको, नहीं पता है तो उसको निकाला जा सकता है। क्या हमारे पास टेन 15 डिग्री का मान पता है क्या, नहीं पता है तो निकाला जा सकता है। क्या आपके पास कॉस 75 डिग्री का मान पता है क्या, नहीं पता है तो आप उसको निकाला जा सकता है। साइन 115 डिग्री का मान पता है क्या आपको, नहीं पता है तो उसको निकाला जा सकता है ना, इस टाइप का चीज़ है ना ठीक है। तो पहले आप ऐसा करिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको दो चार एग्जांपल दिखाते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग ने यार एग्जांपल पे चलते हैं जरा सा, कुछ क्वेश्चंस तो हो जाए ना फटाफट। चलिए कंपाउंड एंगल पर दो क्लास लेंगे, आज का एक क्लास होगा और एक क्लास और आपके सामने चलेगा ठीक है ना। कोई भी यार टॉपिक चलेगा ना यार तो उसमें दो दो क्लास तो चलेंगे ही चलेगा उसमें है ना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या किया कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने बोला आपके पास क्या बेटा क्वेश्चन के तौर पर इवेलुएट ना, इवेलुएट दी फॉलोइंग, इवेलुएट दी क्या बेटा पास फॉलोइंग, इवेलुएट करना है भाई साहब कितना देखना होगा। फर्स्ट नंबर कितना है साइन कितना है जी 15 डिग्री, और दूसरा कितना हमारे पास है भाई साहब टेन, कितना है टेन कितना है 75 डिग्री, और तीसरा कितना हमारे पास है ठीक है ना कॉट कितना है भाई साहब 115 डिग्री सही है क्या, रुकिए एक मिनट 115 ठीक है ना, रुकिएगा ना कितना कर दूँ मैं आपके पास 135 डिग्री ना। वैसे तो 135 का और भी तरीके हैं निकालने का, बट कोई दिक्कत नहीं देखते हैं फिलहाल। बोलो सर कैसे निकलेगा, मैं देखो फॉर्मूला सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने क्या बोला साइन 15 डिग्री है, फर्स्ट नंबर का साइन क्या 15 डिग्री है, साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे हम लोग समझिएगा बात को। सर कैसे निकाला जाएगा साइन 15 डिग्री का फॉर्मूला, तो मैं बोलूँगा क्या साइन 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस कि साइन 15 डिग्री को साइन हो गया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 15 होता है ठीक है। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे ए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप बी बोलेंगे, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। याद रखिएगा ना कितना होता है साइन ए कितना है 45 इंटू कितना होता है कॉस बी कितना है 30 माइनस है तो माइनस, चूँकि साइन है ना तो माइनस, उसके बाद कॉस ए कितना है 45 इंटू कितना पास साइन कितना है पास बी कितना है 30, तो ये हो गया पास।
साइन 45 का मान हो गया 1 अपॉन कितना हो गया रूट 2 इंटू कॉस 30 का मान होता है, याद है ना कितना होता है कॉस 30 का मान, बोलिए भाई साहब रूट 3 बटा 2 होता है, माइनस कितना होता है पास कॉस 45 1 अपॉन कितना रूट 2 इंटू साइन 30 1 अपॉन 2। सर बात ऐसा है कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो रूट 3 बटा कितना हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा, माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 2 रूट 2। तो दोनों को अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा पास 2 रूट 2 हो गया ऊपर रूट 3 माइनस 1, तो जिससे तक आप पास आंसर हो गया साइन 15 डिग्री का, यार मान निकल गया यहाँ किसका मान निकल गया साइन 15 डिग्री का। सर साइन 15 डिग्री का निकल गया, अब फटाफट क्या टैन 75 डिग्री का मान देख लें, फिर हम लोग कॉट क्या देख लें 135 डिग्री का मान देख लें, ठीक है। तो उसके बाद टैन 75 की भी बात कर लेते हैं फटाफट, देखते हैं टैन 75 डिग्री ना, चलिए टैन 75 डिग्री टैन 75 डिग्री ना, देखिएगा सेकंड नंबर हमने बोल दिया क्या बेटा पास टैन जो है भाई साहब 75 डिग्री, बोलोगे सर क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको आप लिख दोगे टैन 45 डिग्री अब प्लस कितना हो गया 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे बेटा बी मानेंगे, तो टेन ए प्लस कितना हो गया पास बी, फॉर्मूला कितना होता है टेन ए ठीक है ना अब प्लस कितना होता है टेन कितना होता है बेटा बी और डिवाइडेड बाई कितना होता है वन माइनस टेन ए ठीक है इंटू कितना हो गया टेन बी। सर आगे देख लो टेन 45 का मान हो गया वन अब प्लस कितना हो गया पास वन अपॉन कितना हो गया रूट 3 अब बटा वन माइनस वन अपॉन कितना हो गया पास रूट 3 हो गया, ठीक है। अच्छे से देखिएगा इसको ना, तो एलसीएम एलसीएम ले लीजिए तो रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 हो गया डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1 बटा रूट अंडर 3 हो गया, ये और ये कट गया तो रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 माइनस 1 हो गया, ठीक है। आप इसको भी बोल सकते हैं कि ये आंसर है, अदरवाइज थोड़ा सा और कर सकते हैं बेटा, इसको अगर थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो रेशनलाइज कर दीजिए रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 प्लस 1 रेशनलाइज कर दिया, तो रेशनलाइज कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा कितना ऊपर में रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कितना 3 प्लस 1 प्लस कितना 2 रूट 3 और नीचे कितना आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी कितना आ गया 2, तो फाइनली ऊपर कितना आएगा 4 4 प्लस 2 रूट 3 2 बाहर निकाल दो 2 प्लस कितना आ गया रूट 3 आ गया बटा कितना है 2 है, तो ये और ये कट गया फाइनली कितना आ गया 2 प्लस रूट अंडर 3, तो दिस इज द क्या पास फाइनल आंसर 2 प्लस रूट 3 है ना, आपको समझ में आ गया होगा ये बात है ना बेटा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, तो टैन 15 डिग्री का यार मान 2 प्लस रूट 3 होता है, मैं आपसे इतना ही बोलूँगा ना कि आप इसे याद भी रखिएगा यार। देखिए अगर किसी बच्चों को यार एनडीए क्वालिफाई करना है एनडीए, तो ये सब फॉर्मूला ना ये सब का मान याद रखना यार, मतलब तो साइन 15 डिग्री टैन 45 टैन 75 आपके पास ठीक है ना, ये सब का याद मुँह जवानी रटा हुआ होना चाहिए तोते की तरह बिल्कुल एकदम, तब जाके आपके पास एनडीए में क्वालिफाई करेंगे आप। देखिए आईआईटी क्वालिफाई करने में क्या होता है कि उसमें आपके पास एक क्वेश्चन पे 3 से 8 मिनट मिलता है, बट एनडीए में इतना नहीं मिलता है क्योंकि 120 क्वेश्चन होता है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे ही होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हर क्वेश्चन करीब आपके पास 1 मिनट 1.25 मिनट ऐसे ही मिलता है, तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा वहाँ पे कब टाइम बीत गया आपके पास। हाँ भाई मुझे पता है कि सारे क्वेश्चन बनाना मतलब ज़रूरी नहीं होता है, बट उससे क्या हुआ जितना बनाना चाहेगा उतना तो बनाना पड़ेगा ना आपके पास, और एनडीए का क्वेश्चन का लेवल कोई इतना ज़्यादा लो भी नहीं होता, मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल ही लो होता है, अब जब क्वेश्चन देते हैं ये तो कुछ अपना लेवल हल्का फुल्का रखते हैं यार, पहले बिल्कुल लो कर देते थे है ना। अच्छा कॉट कितना 35, तो बोले कॉट 35 का तो सर एक और तरीका है कितना ज़्यादा इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं यार, लगाओगे तो लगा दो 90 प्लस कितना पास 45, बट मत लगाओ ऐसे आप इसको दूसरा तरीका से लिख दो कॉट कितना होगा बताना है ना आपको पास 90 प्लस कितना 45। अच्छा कॉट 90 प्लस याद है ना 90 प्लस किस में आप पास सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉट कितना होता है माइनस, नंबर दूसरा वाई के लॉन्ग चल रहे हैं तो कॉट क्या बन जाता है टैन कितना हो गया जी टैन 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू माइनस है टैन 45 का रिजल्ट 1 तो माइनस 1, दिस इज द क्या बेटा फाइनल आंसर। समझ में आ गया क्या आपको, इस पर हम लोग वो फॉर्मूला यूज ही नहीं किए, बोलोगे सर अगर यूज करते तो क्या करते यार आप, अगर आप यूज कर लेते हैं तो क्या कर लेते हैं आप इसका, तो यूज करेंगे तो करेंगे यार क्यों नहीं करेंगे, दिखाते हैं अभी आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर। चलो ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा सर इसको हटा दो यार बकवास कर रहे हो आप, अब क्यों ऐसे बकवास कर रहे हो आपने तो बोला उस मेथड से बनाओगे, बोले चलो ठीक है बनाएंगे ना क्यों टेंशन ले, देखिए आप यहाँ पे कॉट ए प्लस बी याद रखिए क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कॉट 90 इंटू फॉर्मूला पर चलिए कॉट 45 माइनस 1 है नीचे, नीचे कितना हो गया भाई साहब पास देखिएगा ना कॉट ए प्लस बी कॉट 90 प्लस कितना है कॉट कितना पास 45 डिग्री, देखिएगा कॉट 90 का जो रिजल्ट होता है ना 0 होता है, कितना होता है पास 0, कॉट 90 का रिजल्ट होता है 0 और कॉट 45 होता है 1 माइनस 1 अब बटा कितना आ गया
देखिएगा जीरो प्लस कितना हो गया वन, मुझे बताना जीरो इंटू वन कितना जीरो, जीरो माइनस वन बटा कितना जीरो प्लस वन यानी वन यानी माइनस वन बटा वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इज द फाइनल आंसर है ना। आपको समझ में आ गया होगा, आप जिस मेथड से बोलोगे ना यार उस मेथड से बनाया जाएगा। मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना भाई साहब उसको आप एक दो तीन चार कई तरीके से बना सकते हैं। हर क्वेश्चन को करीब करीब एक दो तीन तीन तरीका होता ही है बनाने का। कुछ तो ऐसे भी क्वेश्चन होता है ट्रिग्नोमेट्री में जो एक ही क्वेश्चन को पाँच सात तरीके से बना सकते हैं, बट वैसे रेयर केस में कुछ क्वेश्चन होता है ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को पाँच सात तरीके से बनाने के लिए, लेकिन हाँ हर क्वेश्चन को दो तीन तरीके से बनाने का करीब करीब होता है आपके पास है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक दो ही तरीके लगते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें दो तीन तरीके लगता ही लगता है ना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं आपके सामने, और मैं बता दूँ कि नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, किस पर आपके पास कंपाउंड एंगल पे है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आपके पास कि जो भी चीज़ें जो चीज़ नहीं समझ में आपको आता है उस चीज़ के लिए ना यार नीचे से कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा ठीक है, कि आपको समझ में कहाँ पर नहीं आया है ठीक है। या फिर आप मेरे पर्सनल नंबर जो नीचे दिया रहता है उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, सर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो आप मुझे इसे बता दें ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्लास को स्टॉप करते हैं आज यहाँ पर ना।